हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गोयल जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साथ ही साथ मैं इसके इम्प्टेशन भी आपको बताऊंगी कि अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो क्या होगा आपको ध्यान होगा नोटिफिकेशन नंबर नाइन्टी फोर बाई ट्वेंटी ट्वेंटी आया था ट्वेंटी सेकेंड डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी को जिसकी वजह से जी एस टी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस में बहुत ही सारे इनफैक्ट ग्यारह चेंजेस हो गए थे जी हाँ बहुत सारे चेंजेस के साथ ये नोटिफिकेशन आई थी और काफी वॉर्न

उसमें और आपकी जीएसटी आर थ्री बी में जो आप आउटवर्ड सप्लाई जिसपे आप टैक्स पे करते हैं उसमें डिफरेंस हुआ तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकता है कैंसिल ये रूल ट्वेंटी वन ए के जो सब रूल्स थे वो ये बात करते हैं और ये ये भी बोलते हैं कि ऑपरचुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाएगा लेकिन इसके बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इसको क्लैरिफाई किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है इसको इस तरह इंटरप्रेट ना किया जाए ये उन्हीं लोगों के लिए है जो जान या फिर जीएसटी चुराने के लिए ये करते हैं और जीएसटी वन जी एस आर वन में तो दिखा देते हैं आउटपुट सप्लाई लेकिन जब टाइम आता है जीएसटी आर थ्री बी फाइल करने का और टैक्स पे करने का वहां पे अपनी आउटवुट सप्लाई कम दिखाते हैं ताकि टैक्स कम पे करना पड़े तो इसमें इसका एनालिसिस ऐसे माना जाएगा कि अगर आपका सब्सटैंशल डिफरेंस हुआ या फिर जान के हुआ गलती से नहीं अगर आपने जान के किया ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है और साफ साफ एम्प्लायड दिख रहा है कि आप जीएसटी की जीएसटी कम पे करने के लिए सब कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है लेकिन इसमें फिर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लरिफाई किया था कि आपको ऐसा नहीं है कि ऑपर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड नहीं दिया जाएगा बट ऐसा भी नहीं होगा कि आपके बातों पर रिलाई करके आपका रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाए आपको कैंसिलेशन के चार्जेस बढ़ जरूर जाएंगे अगर ये इंप्लाइड हुआ कि आपने जीएसटी बचाने के लिए ऐसा किया है आइए एक बार बताते हैं कि इसका क्या मतलब है और आपकी टेबल जब आप रिटर्न फाइल करेंगे थ्री तो वहां पर क्या इम्पैक्ट आएगा आप देख सकते हैं जीएसटी और रिटर्न फाइलिंग का पोर्टल ओपन है इसमें हम फाइल रिटर्न्स पे जाते हैं और अगर मैं दिसंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने में जाऊंगी थ्री बी रिटर्न आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे स्टेटस भी अभी जेनरेट नहीं हुई है। तो हम बात कर रहे हैं अपनी सप्लाईज की तो जो आउटवर्ड सप्लाईज होती हैं, इस आउटवर्ड सप्लाईज में अगर आप कुछ ऐसा फिगर भरते हैं जो कि आपका जो जीएसटीआर वन है उससे मैच नहीं करेगा तो ये जो आपका टेबल है ये रेड पॉपुलेट हो जाएगा जैसे आप मैंने आपको बताया था रेड कब कब होता है अगर आपका जो टू बी में डेटा आ रहा होता है और आप जो रिटर्न भरते हैं थ्री बी वो डिफरेंस होता है मोर देन टेन परसेंट का तो आपका ये वाला जो टेबल होता है वो रेड हो जाता है इनवर्ट सप्लाईज वाला एट द सेम टाइम अब थ्री पॉइंट वन बी रेड हो जाएगा अगर आपने जो डेटा अपने जीएसटीआर वन में भरा है आउटवुट सप्लाईज का वो डेटा मैच नहीं करेगा जो आप थ्री पॉइंट वन में भर रहे हैं तो ये हो जाएगा और अगर ये रेड हो जाएगा तो आपको एक नोटिस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं जिसके बेसिस पे डिपेंड ऑन एक्सप्लेनेशन डिपेंड ऑन कैलकुलेशन हो सकता है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको थ्री बी टाइमली और करेक्टली भरना अभी आप इसमें डेटा फिल करेंगे तो हो सकता है ऐसा ना हो रीजन ये है क्योंकि अभी आपने ना ही इसमें जीएसटी आर वन फाइल की है और ना ही अभी तक टू बी पॉपुलेट हुई है ट्वेल्थ डेट होती है टू बी पॉपुलेट करने की तो अभी टू बी पॉपुलेट नहीं हुई है तो आप अभी फिल करेंगे तो हो सकता है आपको ये ग्रीन ही दिखे रेड ना दिखे कुछ भी मैं यहाँ फिगर डाल रही हूँ तो देखेंगे आप अभी आपको यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं दिख रहा है लेकिन जब आप इसमें थ्री बी के जीएसटी आर के अकॉर्डिंग या टू बी के अकॉर्डिंग डेटा नहीं फिल करेंगे तो ये रेड हो जाएगा और आपको चांसेस हैं आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है दिसंबर मंथ की रिटर्न से क्योंकि ये नोटिफिकेशन ट्वेंटी सेकेंड को आया था और उसी दिन से एप्लीकेबल हो गया था तो डिसंबर मंथ के रिटर्न से आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा अपनी रिटर्न फाइलिंग में स्पेशली जीएसटी आर में ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया है होप आपको रेलिवेंट लगा होगा आपको रेलिवेंट लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू